Hello guys, welcome back. So today we are going to talk about Easter Pokemon Go event. तो ये event की जो notification है आपके पास पहले ही आ चुकी है guys. अभी ये क्या है, स्प्रिंग वाला जो आपको notification मिला था ये वही वाला event है, और इसके बारे में जिसको पता है अच्छी बात है. इस वीडियो में guys मैं बताने वाला हूँ, इस event में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे. जैसे कि आपका टोगेपी हो गया, जैसे कि आजूमरिल हो गया guys, जैसे कि आपका guys मंचलेक्स हो गया, रफलेट हो गया गाइस, और जेन 6 का जो पोकेमोन है बनल भी, उसका गाइस शाइनी रिलीज हो रहा. जब हम लोग ये इवेंट की बात करते हैं तो ये जो पोकेमोन के नाम मैंने लिए हैं ये आपको 2 किलोमीटर को एक में से मिल जाएंगे. सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये कि इसके बोनस बहुत अच्छे हैं गाइस. पहला है कि आपको मिलेगा एग हैच होने पर जो पोकेमोन आएगा गाइस उसमें आपको मिलने वाली है डबल कैंडीज. जैसे कि अगर आपको 5 मिलता है तो 10 मिलेंगी, 10 मिलती है तो 20 मिलेंगी. वहीं पर अगर आप लोग लकी एग यूज़ करते हैं, जिनके पास है वो कर लेना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपका ये लकी एग गाइस इस इवेंट के दौरान पूरे 1 घंटे तक काम करेगा, ठीक है. और एक बहुत ही बढ़िया इसमें मिल रहा है जो कि है 1/2 हैचिंग गाइस. लास्ट टाइम शायद से हमें 1/4 हैचिंग मिली थी, मज़ा आ गया था, बट इस बार हमें 1/2 हैचिंग मिल रही है. तो जैसे कि 2 किलोमीटर के अंडे में से टोगेपी, आजूमरिल ये सब मिल रहे हैं गाइस, तो ये 2 किलोमीटर का अंडा नाम का रह गया, ये आपका अंडा 1 किलोमीटर में हैच हो जाएगा. अब बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनको एग हैच करना नहीं आता है, तो उन लोगों को बता दो गाइज एग हैच करने के लिए आपको ऑटो वर्क करना पड़ेगा. तो वो टेक्निक गाइज मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप लोग चेक कर लेना वो वाली वीडियो. और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि वो टेक्निक काम नहीं कर रही है, तो उन लोगों को बोल देता हूँ गाइज जब आप पहली बार यूज़ करोगे तो पक्का काम करेगी, बट जब आप उसको मतलब सांड की तरह यूज़ करोगे ना यार, मतलब तब वो काम नहीं करेगी. आपको उसको लिमिट में यूज़ करना है, पूरे दिन नहीं चलानी है, नहीं तो भैया आईडी भी बैन हो सकती है. एक ह्यूमन बिहेवियर आपको शो करना है कि एक इंसान एक दिन में कितना चल सकता है. आप लोग वहाँ पर यार 20-30 किलोमीटर चल रहे हैं और वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, उसके बाद वो पोकेमोन को खुद ही मतलब उसको डिटेक्ट नहीं करता है, उसको फिर लगता है कि ये भैया ट्रैवलिंग कर रहा है तो इसलिए वो डिटेक्ट नहीं होता है. तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कम यूज़ करना है, और जिन लोगों का डिटेक्ट नहीं हो रहा है वो लोग उसको डिलीट कर दें, पूरे फ़ोन में से डिलीट कर दें, प्लस अपनी मेमोरी कैश मेमोरी सबको क्लीन कर दें, क्लियर कर दें, उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के उसको दोबारा इंस्टॉल कर लेना गाइस. सो वो टेक्निक के बारे में जिसको नहीं पता वाई बटन चेक कर लेना, मैं वीडियो लगा दूंगा उसको देख लेना और काम हो जाएगा. सो इस वीडियो में गाइस इतना ही है. तो करना क्या गाइस, लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना. सो गाइस लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.